हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाई करनी है। और प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत सारी बातें बता दी थी। आज इसके कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं, उन पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसर मीडियम के। किसके? डेंसर मीडियम के। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो ज्यादा डेंसर होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो कम डेंसर होगा। यही था बच्चों। अब अगर बच्चों डेंसर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि रेयरर कम होगा, और अगर डेंसर कम है तो ऑब्वियस सी बात है रेयरर ज्यादा होगा। सही बात है। अच्छा, अब जब ये चीज हमने सीख ली तो एक चीज और याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। किसके बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट के। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। ठीक है। अब सीधी सी बात है, लॉजिकल भी है ये बात। क्यों भाई? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, डेंसर ज्यादा हुआ। बच्चों डेंसर मतलब क्या हुआ? कि उसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास हैं, घने हैं, चलने में मुश्किल होगी। और जब चलने में मुश्किल होगी तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड क्या हो जाएगी? कम। और यहां पे कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो डेंसर भी कम है, डेंसर कम है तो रेयरर ज्यादा है, और रेयरर के अंदर किसी का भी चलना या किसी भी लाइट का ट्रेवल करना क्या होगा? आसान। तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी? ज्यादा। तो बच्चों आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाता है तो डेंसर ज्यादा हो जाएगा, डेंसर ज्यादा हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर कम हो जाएगा, और रेयरर कम होगा सॉरी और रेयरर जितना कम होगा, डेंसर जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी ही कम होगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो डेंसर भी कम, डेंसर कम तो रेयरर ज्यादा, और जितना ज्यादा रेयरर होता है उतनी ही ज्यादा क्या होती है भाई? स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कब ज्यादा होगी? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट कब कम होगी? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों ज्यादा होगा। ये सारी बातें हमने इसमें पढ़ी। ठीक है, तो फटाफट बच्चों इसको नोट करो, फिर मैं आपको लिखवा रहा हूं। इस बारे में लिख लीजिए। लिखो बच्चों, चलिए डेफिनेशन लिखिए एक एक करके। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन, गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी, इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ऑफ दैट मीडियम, ऑफ दैट मीडियम। ठीक है जी, हिंदी वाले लिखेंगे। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसी माध्यम किसी माध्यम में आने वाले प्रकाश की वह योग्यता बताता है, किसी माध्यम की वह योग्यता बताता है जो माध्यम में गति करती है। जो माध्यम में गति करती है। ठीक है जी।
चलिए अब लिखेंगे लिखो अगले में लिखेंगे बच्चों द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटीरियल द नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द मीडियम of the medium and on the wavelength or color of the light used of the color of the light used हिंदी वाले अपवर्तनांक निर्भर करता है अपवर्तनांक निर्भर करता है माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर माध्यम माध्यम के पदार्थ की प्रकृति पर और उसके तरंग धैर्य तथा रंग उसके तरंग धैर्य तथा रंग पर उसके तरंग धैर्य तथा रंग पर ठीक है अगली लाइन में लिखो बच्चों लिखो अ सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अ सब्सटेंस हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर इज ऑप्टिकली डेंसर एंड इफ सब्सटेंस हैविंग एंड इफ सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इफ सब्सटेंस हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली क्लोज इज ऑप्टिकली रेयरर इज ऑप्टिकली रेयरर हिंदी वाले किसी पदार्थ का यदि अपवर्तनांक अधिक हो किसी पदार्थ का यदि अपवर्तनांक अधिक हो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक यदि अधिक हो तो वह प्रकाशतः सघन माध्यम का होता है तो वह प्रकाशतः सघन माध्यम का होता है तो वह प्रकाशतः सघन माध्यम का होता है जबकि जबकि यदि पदार्थ का अपवर्तनांक कम होता है यदि पदार्थ का अपवर्तनांक कम हो ऐसे लिखना यदि पदार्थ का अपवर्तनांक कम हो तो वह प्रकाशता विरल माध्यम का होता है विरल माध्यम का होता है आगे लिखो अगली लाइन में हैविंग हाई रेसिस्टेंस ओ सॉरी 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 हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम देन द स्पीड ऑफ लाइट देन द स्पीड ऑफ लाइट is decreased
एंड लिखेंगे आगे, एंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस, एंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस इज लो, इज लो, देन देन द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर, देन द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन दैट मीडियम, इन दिस मीडियम. ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला. ठीक है, एक एक करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ना शुरू करते हैं. चलिए लिखेंगे, लिखो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन तो लिख ही ली है. अगले में लिखो, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं. लिखो, व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when light is going from one medium to another medium, then the value of refractive index, then the value of refractive index is called relative refractive index, is called relative refractive index, is called relative refractive index. Hindi wale, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपवर्तनांक का मान सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है. अपवर्तनांक का मान सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है. अगली लाइन में लिखेंगे, या एक काम करो, पहले आप इसकी वो लिख लो, फॉर्मूला लिख लो. देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, और मैंने आपको बता दिया मीडियम वन मीडियम टू. ठीक है, याद रखना n के आगे लिखा हुआ मीडियम वन, n के पीछे लिखा हुआ है मीडियम टू. इसका मतलब है कि मीडियम वन पहले लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, एन माध्यम दो. ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये मैं आपके सहूलियत के लिए लिखवा रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, और अपॉन माध्यम दो में प्रकाश की चाल. ठीक है, चलो अगला लिखेंगे बच्चों. एक मिनट बच्चों,
चलिए अब यहां से देखेंगे आगे।